तो फाइनली अच्छे से मछली हो गया है फ्राई, तो मैं सब निकाल लेती हूँ। ये देख लीजिए कितना अच्छे से ये फ्राई हो गया है सारा मछली, तो मैं अभी से निकाल लेती हूँ। सो फाइनली मैंने सारा खाना लगा लिया है। ये है प्रॉन का फ्राई जो मैंने आपको आगे दिखाया, अभी दिखाया था उसका रेसिपी। और ये मछली का बाड़ा, मतलब वो जो अंडा का बाड़ा होता है वो, ये फिश फ्राई। ठीक है, तो बंगाली खाना थाली लगके हो गया है रेडी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करती हूँ मैं अपने चैनल दीप्सा मॉन ट्यूब में आप लोगों का। सो कैसे हैं आप लोग और गर्मी कैसी है आप लोगों के उधर, वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बहुत जगहों में अभी बारिश भी हो रही है, तो मैं एक आज आप लोगों को बहुत ही टेस्टी रेसिपी दिखाने के लिए जा रही हूँ। मतलब उसको सिंपल ही तरीके से मैं बनाने जा रही हूँ। और जो सर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबा लें, ताकि आप लोगों को मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो में और आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं आज क्या बना। ये है प्रॉन मछली, जिसे झींगा मछली भी बोलते हैं। ठीक है, मैं आज मार्केट गई थी तो ये लेकर आई हूँ। तो मैंने इसे धो लिया है अच्छे से, इसका पूरा वो जो ऊपर का छिलका होता है ना वो भी निकाल दिया, और इसमें नमक हल्दी देकर अभी रखी हूँ। अभी इसमें थोड़ा सा लहसुन और मिर्ची का पेस्ट डालूंगी और इसके साथ ही इसे फ्राई करूंगी। ठीक है, तो ये देख लीजिए जो मैंने पूरा इसे अच्छे से धो के नमक हल्दी मिला के रखा है। आपको लहसुन दिखा देती हूँ। अभी ये ले लिया है मैंने कुछ लहसुन, अभी इसे पीसने के लिए जा रही हूँ मैं, और सिलबट्टे से पीस कर फटाफट ले आती हूँ। सो ये मैं जो नमक हल्दी देकर रखी हूँ ये प्रॉन मछली को, यानी झींगा मछली को, इसमें मैं डाल दे रही हूँ थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट। ये देख लीजिए जो मैं अभी पीस कर ले आई हूँ, और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा मिर्ची का पाउडर। सो ये मैंने इसमें डाल दिया मिर्ची का पाउडर। अब इसे अच्छे से टोस्ट करके इसे अच्छे से मिला लेते हैं चारों तरफ और इसे फ्राई करते हैं। अब तो इस तरफ कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है और तेल अच्छे से गर्म हो गया है, तो मैं इसमें ये वाला मछली फ्राई करने के लिए डाल देती हूँ। तो ये मैंने सारा मछली इसमें डाल दिया है फ्राई होने के लिए। तो ये लगभग एक तरफ का फ्राई हो गया है, तो मैं इसे अच्छे से पलट दे रही हूँ। ये देख लीजिए, और इसे अलट पलट कर अच्छे से फ्राई करते हैं। तो फाइनली अच्छे से मछली हो गया है फ्राई, तो मैं इसे अब निकाल लेती हूँ। ये देख लीजिए अब कितना अच्छे से ये फ्राई हो गया है सारा मछली, तो मैं अब इसे निकाल लेती हूँ। सो फाइनली मैंने सारा खाना लगा लिया है। ये है प्रॉन का फ्राई जो मैंने आपको आगे दिखाया, अभी दिखाया था उसका रेसिपी। और ये है मछली का बाड़ा, मतलब वो जो अंडा का बाड़ा होता है वो, ये फिश फ्राई। ठीक है, तो बंगाली खाना थाली लग के हो गया है रेडी।